जब विराट बता देगा पाखी को विनायक का सच, इसके बाद पाखी क्या करेगी। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में का आने वाला ट्रैक बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, जिसको देखने के लिए फैंस जो हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो चलिए बताते हैं भाई किस तरह से पाखी का असली चेहरा सामने आने वाला है, जिसमें पाखी के बदला लेने की भावना जो है वो साफ नजर आने वाली है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पाखी का वही रूप फिर से फैंस के सामने आने वाला है, जिसके लिए फैंस बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। तो चलिए बताते हैं विराट ऐसा क्या कर देगा जिससे पाखी अपना सच जो है वो खुद ही कबूल लेगी। भाई सीरियल के आने वाले ट्रैक में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से विराट जो है पाखी को सच बताने के लिए वहाँ जाता है, यानी कि पाखी को लेकर वो डिनर पे जाता हुआ नजर आएगा। और पाखी को जब वो डिनर पर लेकर जाएगा तो वो तब भी यही सोचता है कि किस तरह से वो पाखी को सारा का सारा सच बताए, लेकिन विराट तो उसको आधा सच ही बताता है कि इतने में ही बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है। पहले आपको बता दें कि आप देखेंगे किस तरह से विराट जो है वो पाखी से कुछ न कुछ कहने की कोशिश करता रहता है, लेकिन पाखी जो है वो बार बार यही कहती है कि जिस मकसद के लिए तुम यहाँ मेरे साथ डिनर पे आए हो वो मकसद पूरा करो, क्योंकि पाखी ये बात अच्छे से जानती है कि विराट उसके साथ कोई भी डिनर या लंच करने कभी अकेले नहीं आता। और ये बातें जो है पाखी कहती हुई भी नजर आने वाली है। पाखी विराट से साफ साफ कहेगी कि मुझे साफ साफ बोलो तुम यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, मुझे बातें घुमा फिरा के करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी विराट इस बात का जवाब देते हुए कहता है कि हम डिनर या लंच पर कभी पहले ऐसे नहीं आए हैं जो तुम इस तरह से हरकत कर रही हो। तभी पाखी जो है वो कहती है हम हमेशा वीनू के साथ आते थे, लेकिन इस बार तुम मुझे अकेले लेकर आए हो, तो मुझे बताओ तुम्हें क्या बताना है। मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सी बातें चल रही है जिसकी वजह से तुम बहुत परेशान हो, तो इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हारा क्या मकसद है, क्योंकि जिस तरह से तब भी तुमने सई का सपोर्ट किया वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तब आप देखेंगे किस तरह विराट जो है वो सच बताने की पूरी प्लानिंग करके आता है कि वो पाखी को सच बता देगा। लेकिन जैसे ही विराट बस पाखी से इतना कहता है कि विनायक सई को छोटी मम्मा बुला लेगा तो क्या ही हो जाएगा, इस बात पर पाखी जो है वो भड़क जाती है। वो कहती है कि मैंने अपना हमेशा से पति सई के साथ बांटा है, लेकिन मैं अपने बेटे को बिल्कुल भी नहीं बांटूंगी। और खड़े होकर वो चिल्ला के सबके सामने बोलती है कि तुम भी सुन लो विराट चव्हाण, विनायक जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा है, मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, वो मेरा बेटा है और उसे कोई नहीं छीन सकता और न ही कोई ऐरी गैरी औरत आकर उस पर हक जता सकती है। ये बातें सुनकर विराट जो है वो भी दंग रह जाता है कि पाखी का ये असली चेहरा उसके सामने आ चुका है। भाई देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है पाखी और आगे क्या क्या तमाशे करने वाली है, क्योंकि अभी तो पाखी को सच पता भी नहीं है, जब सच पता चलेगा तब पाखी क्या करेगी। आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी लाइक कर दें।